नमस्कार दोस्तों, महतो हिंदी कथा में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में काशी के वातावरण में परिवर्तन हुआ। जहां न्याय और बुद्धिवाद व्याप्त था, वहां शस्त्र बल प्रमुख हो उठा। वीरता को महत्व प्राप्त हुआ। अपनी बात पर मरमिटना, सिंहवृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण की भीख मांगने वाले कायरों को तथा चोट खाए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना, सताए हुए निर्बलों की सहायता करना, प्राणों को हथेली पर लेकर घूमना, जिनका बाना था उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। ननकू सिंह इसी प्रकार गुंडा हो गया था। यद्यपि वह प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र था, परंतु किसी मानसिक चोट से घायल होकर अपनी संपत्ति लुटा दी थी। वह प्रायः बनारस के बाहर की हरियाली में घूमता रहता था। गंगा की धार में मचलती डोंगी पर वह दिखाई पड़ता था। जुआ खाने से निकलकर जब वह चौक में आता था, तब काशी की वेश्याएं मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और उसके सुदृढ़ शरीर को ललचाई नज़रों से देखती थी। वह तमोली की दुकान पर बैठकर उनके गीत सुनता, पर कभी वेश्या के यहाँ नहीं जाता था। जुए में जीते हुए रुपए वेश्याओं में बांट देता था। एक दिन जुए खाने में कोड़ियों ने उसका साथ नहीं दिया। उसका एक सिद्धांत था, वह किसी से उधार लेकर कभी जुआ नहीं खेलता था। उसके पास 5 रुपये थे। 1 रुपया उसने पान के लिए तमोली को दिया और 4 के 2-2 मलुकी कथक को, और कहा कि दुलारी से कहे कि वह बिल में विदेश रहे गीत सुनाए। तभी सामने से बारात आती हुई दिखाई दी। ननकू को पता चला कि यह ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की बारात है। ननकू की बोधी सिंह से दुश्मनी थी, अतः उसने बोधी सिंह को चुनौती दी। उसने ननकू को संदेश भेजा कि बारात में 2 समाधियों को जाने की क्या ज़रूरत है, और ननकू सिंह बारात में चला गया। ब्याह में जो कुछ लगा सब कुछ खर्च किया। दूसरे दिन स्वयं तमोली की दुकान पर आकर रुक गया और बारात को घर भेज दिया। ननकू सिंह ने दुलारी को गाने के लिए संदेश भेजा। तभी मौलवी साहब 2 सिपाहियों को लेकर आधम के और दुलारी को संदेश भिजवाया कि आज रेजिमेंट साहब की कोठरी पर मुजरा करना होगा, अभी चले। ननकू ने दुलारी को ललकार कर गाने के लिए कहा, परंतु मौलवी साहब दुलारी को ले जाने के लिए कटिबद्ध थे। मौलवी साहब दुलारी को चलने के लिए आग्रह करने लगे तो ननकू सिंह ने एक बनारसी झापड़ उन्हें टिकाया। इसे देखकर सिपाही भाग गए। जान अली ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, भला आप गुंडे के मुंह लगने लगे, यह कहिए कि उसने गड़ासा नहीं तौल दिया। थोड़ी देर बाद एक डोली रेशमी कपड़ों से ढकी हुई आई, साथ में एक चौकीदार था। उसने दुलारी को राजमाता की आज्ञा सुनाई। दुलारी चुपचाप डोली पर जा बैठी और शिवालय घाट की ओर बढ़ी। श्रावण का अंतिम सोमवार होने के कारण राजमाता शिवालय में पूजन कर रही थी। दुलारी कुछ अन्य गाने वालियों के साथ भजन गा रही थी। आरती हो जाने पर राजमाता पन्ना ने फूलों की अंजेरी बिखेर कर भक्ति भाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया। प्रसाद लेकर आते ही उन्हें दुलारी दिखाई दी। दुलारी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पहले ही पहुंच जाती, क्या करूं? कुबरा मौलवी निगोड़ा आकर रेसिडेंसी की कोठी पर ले जाने लगा। घंटों इसी झंझट में बीत गया सरकार। उधर से बाबू ननकू सिंह निकले, जिन्होंने मौलवी को झापड़ लगाया, और तब जाकर मुझे यहाँ आना संभव हो सका। राजमाता ने जानना चाहा कि यह बाबू ननकू सिंह कौन है। दुलारी ने सिर नीचा कर कहा, यह बाबू निरंजन सिंह के लड़के हैं। जब हम झूला झूल रहे थे और अचानक नवाब का हाथी बिगड़ कर आ गया था, तब इसी ननकू सिंह ने हम लोगों की रक्षा की थी। राजमाता का मुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करके न जाने क्यों विवर्ण हो गया। दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की जिम्मेदारी में रहने वाली वेश्या की लड़की थी। उसके साथ कितनी ही बार पन्ना झूले हिंडोले पर झूल चुकी थी। पन्ना जब काशीराज की माता थी, तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी।
राजमाता महाराज बलवंत सिंह के समय से संगीत में रुचि लेती थी। उस समय प्रेम, दुख और दर्द भरी विरह कल्पना के गीत में अधिक रुचि थी। अब सात्विक भावपूर्ण भजन होता है। राजमाता पन्ना की एक मुँह लगी गेंदा नामक दासी थी। उसी ने महारानी को कहा कि ननकू सी जमींदारी छोड़कर अब नाकू हो गया है, जितने भी खून होते हैं उसमें उसी का हाथ रहता है। तभी दुलारी ने उसे रोक कर कहा, यह झूठ है, बाबू साहब जैसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएं उनकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती है, कितनी लड़कियों की शादी होती है, कितने सताए हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है। रानी पन्ना के हृदय एक तरलता उद्वेलित हुई। उन्होंने हंसकर कहा, दुलारी वे तेरे यहाँ आते हैं ना, इसी से तू उनकी बड़ाई। नहीं सरकार, शपथ खाकर कह सकती हूँ कि बाबू ननकू सिंह ने आज तक कभी मेरे कोठे पर पैर भी नहीं रखा। राजमाता ना जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझने के लिए चंचल हो उठी थी। तभी गेंदा ने शहर की बुरी दशा के संदर्भ में बात कही। दूसरे दिन काशी की अव्यवस्था के संदर्भ में राजा चेत सिंह के पास रेजिडेंट मार्क हेम की चिट्ठी आई, जिसमें गुंडों को पकड़ने के लिए कड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति भी थी। काशी में हलचल मच गई। कोतवाल हिम्मत सिंह ने काशी के गुंडों को पकड़ना आरंभ कर दिया। एक दिन ननकू ऊंचे टीले पर अपने साथियों के साथ दुधिया छान रहा था। कथकों का गाना हो रहा था। ननकू को आनंद नहीं आया। आज उसका मन उखड़ा हुआ था। एक घंटे में दुलारी सामने आई। मुस्कुराकर उसने कहा, बाबू क्या हुक्म साहब। दुलारी, आज गाना सुनने का मन कर रहा है। गाना बजाना समाप्त हो गया। ननकू चिंता में मंदिर के समीप ही छोटे से कमरे में बैठा। दुलारी भी जाग रही थी। अपनी भावना को संभालना उसके लिए कठिन हो गया था। वह धीरे धीरे उसके पास आई। चौंक कर ननकू ने पास रखी तलवार उठा ली। हंसकर दुलारी कहने लगी, बाबू साहेब यह क्या, स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है। वासना भरा उस रमणी का मुख देखकर ननकू हंस पड़ा। कहने लगा, क्यों इसी समय जाने की पड़ी है। वह उसके पास बैठी। ननकू ने कहा, क्या तुमको डर लग रहा है। नहीं, कुछ पूछने आई हूँ। क्या क्या यही कि कभी तुम्हारे हृदय में। उसे ना पूछो दुलारी, हृदय को मैं बेकार ही समझकर तो उसे हाथ में लिए फिर रहा हूँ। कोई कुछ कर देता, कुचलता, चीरता, उछलता, मर जाने के लिए सब कुछ तो करता हूँ पर मरने नहीं पाता। दुलारी के द्वार मालूम होता है कि हेस्टिंग साहब आए हैं। शिवालय घाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बैठा दिया है। राजा चेत सिंह और राजमाता पन्ना को पकड़कर शायद कलकत्ता भेजने वाले हैं। यह सुनते ही ननकू अधीर हो उठा। तभी दुलारी ने कहा, क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। चुप रहो, तुम उसको जानकर क्या करोगी। उद्विग्न होकर कहने लगा, दुलारी जीवन में आज यह पहला ही दिन है कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठ गई है। मैं चीर कुमार अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध करता फिर रहा हूँ। क्यों तुम जानती हो, मैं स्त्रियों का घोर विरोधी हूँ। और पन्ना, किंतु उसका क्या अपराध है। अत्याचारी बलवंत सिंह के कलेजे में बिछुआ में ना उतार सका, किंतु पन्ना उसे पकड़कर गोरे कलकत्ते भेज देंगे। नहीं, ननकू उन्मत्त हो उठा और गंगा की उमड़ती हुई धारा में डोंगी डालकर राजमाता और राजकुमार को छुड़ाने के लिए निकला। कोतवाल हिम्मत सिंह को पुकारा। उसने पूछा, कौन। बाबू ननकू सिंह। अच्छा, तुम अब तक बाहर ही रहे। और हिम्मत सिंह ने सिपाहियों को आज्ञा दी, किंतु ननकू की चमकती तलवार को देखकर वे भीतर भागे। नमक हरामो, चूड़ियाँ पहन लो। शिवालय की खिड़की के नीचे डोंगी की बांधकर बंदर जैसा उछाल कर खिड़की के भीतर गया। सबको सचेत करते हुए कहा, महारानी कहाँ है। चेत सिंह ने पूछा, तुम कौन हो। राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक। पन्ना ने पहचान लिया, वही ननकू सिंह। उसे देखकर मनियार सिंह ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो। मैं मर सकता हूँ। पहले महारानी को डोंगी पर बिठाइए, नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मल्हा हैं, फिर बात कीजिए।
उसने पन्ना से कहा, चलिए मैं साथ चलता हूँ। राजा चेत सिंह को कहा, मेरे मालिक आप नाव पर बैठे, जब तक राजा भी नाव पर बैठ जाएंगे तब तक 17 गोली खाकर भी ननकू सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है। वह अंग्रेजों के साथ युद्ध करता रहा। 200 तिलंगों की संगीनों से वह अकेला लड़ रहा था। उसके घावों से रक्त के फुहारे फूट पड़े थे। उसके चट्टान जैसे शरीर से गैरिक की तरह रक्त की धारा बह रही थी। गुंडे का एक एक अंग कट कर गिर रहा था। वह काशी का गुंडा ननकू सिंह था। प्रस्तुत गुंडा कहानी ननकू सिंह की वीरता, उदारता, त्याग, बलिदान जैसे मानवीय मूल्यों को अंकित करती है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने ननकू के द्वारा देश प्रेम, त्याग और बलिदान जैसे मूल्यों को प्रतिस्थापित किया है। धन्यवाद।